लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में जानलेवा हमला हुआ है। ये हमला न्यूयॉर्क के वेस्टर्न इलाके में हुआ है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर सलमान रुश्दी पर चाकू से अटैक किया गया। सलमान रुश्दी पर यह हमला तब हुआ जब वो वेस्टर्न न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में शामिल थे। इस कार्यक्रम में सलमान रुश्दी को लेक्चर देने वाले थे। इस दौरान स्टेज पर ही उन पर हमला हुआ। हमले के बाद सलमान रुश्दी स्टेज पर ही गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने एक आदमी को मंच पर दौड़ते हुए देखा और मिस्टर रुश्दी को या तो मुक्का मारा या छुरा घोंपा जब उनका परिचय कराया जा रहा था। हमलावर को मौके पर मौजूद लोगों ने रोक लिया। सलमान रुश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। उनका जन्म मुंबई में हुआ था। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रुश्दी पिछले 20 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। उन्हें लेखने के लिए कई अहम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। रुश्दी की किताब द सेनेटिक वर्सेस को ईरान में 1988 में प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि कई मुसलमान इसे ईर्ष्या निंदा मानते हैं। एक साल बाद ईरान के दिवंगत नेता आयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने एक फतवा जारी किया जिसमें रुश्दी की मौत का आह्वान किया गया था। यही नहीं, फतवा में रुश्दी को मारने वाले को $3 मिलियन से अधिक का इनाम देने की बात कही गई थी।